गुरुवार को मेवात जिले के लिए राहत की खबर सामने आई है। केसों की संख्या में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है, बल्कि 3 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। पिछले कई दिनों से जो चिंता लगातार बढ़ रही थी, उसमें अब कुछ राहत देखने को मिल रही है। गुरुवार को 150 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आई, जिनमें सभी के सभी लोग नेगेटिव पाए गए हैं। यह बात जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान थी। इस समय नलहड़ मेडिकल कॉलेज में 2 मरीज, माडीखेड़ा में 1 मरीज, 19 लोगों को घर एकांतवास में रखा गया है। आपको बता दें कि नूह जिले में करीब 7250 लोगों को सर्विलांस पर रखा गया, जिनमें से 4608 लोगों का सर्विलांस पीरियड पूरा हो चुका है। अब सर्विलांस पर 2642 लोग रखे गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 6587 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए गुरुग्राम के एक निजी लैब में भेजे, जिनमें से 5998 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तथा 103 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। 81 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा है कि जिले में अब 23 एक्टिव केस हैं। अभी 177 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आना बकाया है। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। कितने एक्टिव हैं, कितने पॉजिटिव लाए हैं, क्या कहेंगे? केस तो लगातार आ ही रहे हैं। कल एक केस हमारे जिले में भी था, लेकिन वो गांव से बिलोंग करता था, और लगभग 6300 के लगभग सैंपल हो गए हैं। 6000 के से ज़्यादा की रिपोर्ट आ चुकी है। जो हमारा आज की जो सैंपल की रिपोर्ट आई है 150 के लगभग, उसमें कोई केस नहीं है। हमारे 81 रिकवर हो गए हैं आउट ऑफ 104, और बाकी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, 2-4 दिन में ठीक है। अच्छी बात है कि केस नहीं आ रहे हैं बाद में, लेकिन हमारे जो आसपास के जो ज़िले हैं, जैसे गुरुग्राम है, जो भी गुरुग्राम आना जाना रखता है या जो गुरुग्राम से हैं किसी काम से हमारे ज़िले में आते हैं, तो वो लगभग पॉजिटिव ही हैं। तो संक्रमण तो हमारे ज़िले में आ ही रहा है आसपास के ज़िलों से, और हम काम करते रहेंगे, इसी तरह से सैंपल भी हम लेते रहेंगे। टोटल पॉजिटिव कितने हैं? 104 हैं हमारे, और 81 इसमें से रिकवर हो गए हैं, तो टोटल एक्टिव जो केस हैं वो 23 हैं। आज कितने लोगों को डिस्चार्ज किया गया है? 3 लोगों को रिकवर शो किया गया है। रिकवरी हम 10 दिन के बाद दिखा देते हैं, उसके बाद 17 दिन का जो टोटल आइसोलेशन पीरियड होता है वो पूरा करना होता है मरीज, चाहे वो घर पे, अगर उसे घर पे सुविधा है या फिर हमारी सुविधा फैसिलिटी में।